राजधानी दिल्ली, रात के 12 बजे थे, रात का सन्नाटा, और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था, हर कोई कश्मकश में था, शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था, या किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था, कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई, पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने को जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे, और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन था यह शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलकते मुंबई की ओर बढ़ रहा था? देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठती थी बिजलियां, मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह? कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए थे खाली कासे इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, ओठों पर सजा दिए थे नए तराने, धमनियों से प्रवाहित किया था स्वाभिमान अभिमान को, दास्यता की जंजीरें तोड़ने के लिए दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे, और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक श्मशान, हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी, जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक तक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा, या गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था, या बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वो बुद्ध विहार कहता था। क्यों गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए? कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी, या थी वह संघर्ष की आग? भूखे नंगे बदनों को कपड़ों से ढकने की थी आग? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चवदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी, धू धू जलती मनुस्मृति धुवे के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वह आग थी जो जलाकर चला गया था वह? सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी, जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल के कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान, क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई, जैसे सूना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद बाप का आंगन। सारे खेतीहर मजदूर किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र छीन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा। सारी मिलों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतिहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए,
आधुनिक भारत का वह सपुत्र है जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी। बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में, देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। वो गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, ऐसी माँ बहने लाखों की तादाद में स्मशान भूमि पर थी। यह भारतीय सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को स्मशान जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी, जो अपने आप में एक विश्व विक्रम था। भारत का यह युगंधर संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष, नव भारत को नव चेतना देकर चला गया, एक ऊर्जा स्रोत देकर, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर। उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम, और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे हाथों में हाथ लिए, मानवता के रास्ते पर, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा।